कमाला भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्ट नेम एंड प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ कॉटन स्पिनिंग। कॉटन स्पिनिंग मिल में यार्न प्रोडक्शन में हमारे डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं और उन प्रोसेस में जो हमारी प्रिपरेटरी मशीनें होती हैं, हर एक स्टेज पे हमारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है। वेस्ट जो हमारा प्रोड्यूस होता है वो यूजेबल वेस्ट होता है एंड नॉन यूजेबल वेस्ट होता है, यानी वो वेस्ट जिसको हम दोबारा प्रोसेस में यूज कर लेते हैं उसको हम यूजेबल वेस्ट कहते हैं, और वो वेस्ट जिसको हम प्रोसेस में यूज नहीं कर सकते हैं उसको हम नॉन यूजेबल वेस्ट कहते हैं। तो हर एक स्टेज पे यूजेबल एंड नॉन यूजेबल वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। वेस्ट एक बहुत ही कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। हम हर एक मशीन पे वेस्ट परसेंटेज का क्या परसेंटेज होना चाहिए, क्या कंट्रोलिंग होनी चाहिए, उसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि एक मशीन पे जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उस वेस्ट का जो है उस वेस्ट को हम किस पार्टिकुलर नेम देते हैं, क्या पार्टिकुलर नेम देते हैं, और कौन कौन मशीनें हैं जो वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं, वो कौन सी एरिया है जहां से हमारा जो है वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इस लेक्चर के माध्यम से हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। कॉटन फाइबर कंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट फॉरेन मैटर सीड्स एंड अदर पार्टिकल। जो कॉटन मटेरियल है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, कॉटन फाइबर है जो बेल फार्म में है, जिनिंग के बाद जब हम बेल पैकिंग करके उसको मेटल को यार्न फॉर्मेशन के लिए स्पिनिंग यूनिट में लाते हैं, तो उसमें जो है हमारा डस्ट पार्टिकल, फॉरेन मैटर, सीड्स एंड अदर जो है मटेरियल, अदर पार्टिकल जो है एक वेस्ट के रूप में, जिसको हम ट्रेस कंटेंट कहते हैं, मटेरियल में ट्रेस कंटेंट के रूप में होता है। ड्यूरिंग स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न सम वेस्ट प्रोड्यूस एट डिफरेंट स्टेज। ड्यूरिंग द स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न, कह रहे कि जब हम कॉटन यार्न का प्रोडक्शन करते हैं सम वेस्ट प्रोड्यूस एट डिफरेंट स्टेज, अलग अलग स्टेज पे जो है हमारा वेस्ट जो है प्रोड्यूस होता है, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग रेशियो में हमारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है। सम ऑफ देम आर रीयूजेबल एंड सम आर नॉट, कह रहे कि जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उस वेस्ट में कुछ वेस्ट जो है रीयूजेबल, यानी दोबारा हम प्रोसेस में उसको बैक ले लेते हैं, बैक प्रोसेस में लेकर के उसको हम यूज कर लेते हैं, एंड सम आर नॉट, और कुछ वेस्ट जो है यूजेबल नहीं होते हैं। इन मॉडर्न स्पिनिंग नाउ वी आर मेंशनिंग देयर नेम एंड प्रोड्यूसिंग एरिया और मशीन। इन मॉडर्न स्पिनिंग, जो हमारी मॉडर्न स्पिनिंग लाइन है कॉटन स्पिनिंग की, नाउ वी आर मेंशनिंग देयर नेम, कह रहा है कि उसका जो है जो वेस्ट जो हमारा प्रोड्यूस होता है वो किस नाम से वेस्ट जो है जाना जाता है, क्या उसको हम नेम देते हैं, उसको हम इस लेक्चर से जो है लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। इन मॉडर्न स्पिनिंग वी आर मेंशनिंग देयर नेम एंड प्रोड्यूसिंग एरिया और मशीन, और वो कौन कौन सी मशीन है, वो प्रोड्यूसिंग एरिया कौन कौन सी है जहां से वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसके हम लोग जो है इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं ये स्पिनिंग, ये हमारा स्पिनिंग प्लांट है जहां पे जो है इस यार्न हमारा प्रोड्यूस होता है। स्पिनिंग फ्रेम है, रिंग फ्रेम है, रिंग फ्रेम पे जो है या हम आप रोबिंग देख रहे हैं, रोबिंग से जो है हमारा यार्न प्रोड्यूस होता है। तो इसी रिंग स्पिनिंग यूनिट की हम बात कर रहे हैं, जहां पे धागा जो प्रोड्यूस होने का प्रोसेस है उस प्रोडक्शन के, यार्न के प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो है जो वेस्ट फॉर्म होता है। यार्न हमारा जो है गुड मटेरियल है, का हमारा फिनिश प्रोडक्ट है, और उसके उस प्रोडक्शन में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उस वेस्ट की हम बात कर रहे हैं कि किस स्टेज पे कौन कौन सा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, क्या नाम देते हैं और कितना परसेंटेज होता है, हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे नेम एंड प्रोड्यूसिंग एरिया इसको हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे जो है हम फ्लो चार्ट को ले रहे हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से स्पिनिंग प्रोसेस फ्लो चार्ट, यानी वो उस फ्लो चार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं कि जिस जहां जहां पे जो मशीनें जो है रिस्पॉन्सिबल होंगी वेस्ट के लिए। तो हम प्रोसेस को जानेंगे, यार्न के प्रोडक्शन के प्रोसेस को जानेंगे कि कौन सा प्रोसेस को हम जो है फॉलो करते हैं यार्न के प्रोडक्शन में। यार्न जो हमारा कॉटन यार्न है, कॉटन यार्न टू टाइप्स के जो है यार्न हम जनरली प्रोड्यूस करते हैं, कॉर्डेड यार्न एंड कॉम्ब यार्न। कॉर्डेड यार्न एंड कॉम्ब यार्न स्लाइटली प्रोसेस कॉम्ब यार्न के केस में जो है एक दो मशीनें जो है
ऐड हो जाती है, जिससे हमारी यार्न की क्वालिटी जो है इनहांस हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। तो हम यहाँ प्रोसेस को देखते हैं। मिक्सिंग जो हमारा पहला स्टेप होगा मिक्सिंग, ब्लो रूम जो हमारी सेकेंड मशीन होगी, ब्लो रूम, कार्डिंग। अगर कार्डेड यार्न हमें प्रोड्यूस करना है तो सीधे हम प्रोसेस को फॉलोइंग करेंगे। कार्डिंग के बाद ड्रॉइंग, ड्रॉइंग रोविंग एंड रिंग फ्रेम एंड वाइंडिंग। ये हमारा जो है कॉर्डेड यार्न का प्रोसेस हो गया। अगर हम जो है कॉम्ब्ड यार्न प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कॉम्ब्ड यार्न के प्रोडक्शन में हमारा प्रोसेस हो जाएगा मिक्सिंग, ब्लो रूम, कार्डिंग, कॉम्बिंग प्रिपरेशन। यानी यहाँ पे जो है लैब प्रिपरेशन की बात हो रही है। कॉम्बिंग प्रिपरेशन, कॉम्बिंग यानी हम फाइबर की जो है लैब की कॉम्बिंग करते हैं। कॉम्बिंग के बाद ड्रॉइंग, रोविंग एंड रिंग फ्रेम। तो इस प्रोसेस से कॉम्ब्ड यार्न जो प्रोड्यूस होगा उसको हम जो है कॉम्ड यार्न कहते हैं। इस कॉम्ड यार्न की क्वालिटी कॉर्डेड यार्न से बेहतर होगी, बेटर होगी। यानी प्रोसेस फ्लो चार्ट को देखें, मिक्सिंग, ब्लो रूम, यानी ये जो प्रोसेस है एक कॉम्ड यार्न का प्रोसेस है। मिक्सिंग, ब्लो रूम, कार्डिंग, लैब फार्मर, कॉम्बर, ड्रॉ फ्रेम, स्पीड फ्रेम, रिंग फ्रेम, ऑटो कोनर एंड डिस्पैच मेटेरियल। फाइनली हमारा ऑटो कोनर के बाद जो है जिस फार्म में जो है जो रिक्वायरमेंट है उस फॉर्म में जो हमारा डिस्पैच के लिए पैक हो जाता है। वेस्ट नेम एंड प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ कॉटन स्पिनिंग। वेस्ट नेम यानी जो है जो हमारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसका हम क्या नेम देते हैं, क्या नाम देते हैं। और एरिया एरिया ऑफ कॉटन स्पिनिंग यानी कॉटन स्पिनिंग में और कौन सी एरिया है जहां पे वेस्ट प्रोड्यूस होता है। ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग वन की हम बात कर रहे हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड बाई कार्डिंग मशीन इन एक्सपोर्ट मिल। करें कि ये जो वेस्ट है ड्रॉपिंग वन जो है कार्डिंग मशीन के द्वारा जो है प्रोड्यूस किया जाता है। इन एक्सपोर्ट मिल इट इज नॉट यूज्ड। और एक्सपोर्ट मिल में हम इस ड्रॉपिंग को दोबारा रीयूज नहीं करते हैं, बट इन रोटर स्पिनिंग इट इज यूजेबल। और इस वेस्ट को हम जनरली रोटर स्पिनिंग में जो हम रोटर यार्न प्रोड्यूस करते हैं, ओपन एंड यार्न प्रोड्यूस करते हैं रोटरी स्पिनिंग से, उस यार्न के प्रोडक्शन में ड्रॉपिंग वन को हम मिक्सिंग में इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉपिंग टू प्रोड्यूस इन ब्लो रूम इट एक्सपोर्ट मिल इट इज नॉट रीयूज। और अगर यार्न जो है एक्सपोर्ट यार्न जो है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम इसको रीयूज नहीं करते हैं, बट इन रोटर स्पिनिंग इट इज यूजेबल। और इस ड्रॉपिंग टू को जो ब्लो रूम में प्रोड्यूस हो रही है इसको हम रोटर यार्न जब प्रोड्यूस करते हैं तो रोटर यार्न में इसको हम मिक्सिंग में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हार्ड वेस्ट प्रोड्यूस इन रिंग फ्रेम एंड वाइंडिंग सेक्शन इट इज नॉन यूजेबल वेस्ट। हार्ड वेस्ट यानी ट्विस्टेड वेस्ट, जब हमारा मटेरियल जो है ट्विस्ट हो जाता है तो यार्न फार्म में जो है ट्विस्ट हो जाता है, वो यार्न फार्म में अगर वेस्ट होता है हमारा मटेरियल तो ये दो जो है टू एरिया होती है, दो एरिया है जहां पे हार्ड वेस्ट प्रोड्यूस होता है स्पिनिंग में। प्रोड्यूस इन रिंग फ्रेम यानी एक जो हमारा एरिया है रिंग फ्रेम एंड वाइंडिंग सेक्शन, और दूसरी एरिया है वाइंडिंग जो है ऑटो कोनर। यहाँ पे जो है हार्ड वेस्ट हमारा प्रोड्यूस होता है। इट इज नॉन यूजेबल वेस्ट। और इस वेस्ट को यानी वन टाइम जो है अगर मेटेरियल हमारा ट्विस्ट हो गया तो इसको हम दोबारा रीप्रोसेस में यूज नहीं कर सकते हैं, यानी नॉन यूजेबल वेस्ट। माइक्रो डस्ट, वी कलेक्ट दीज डस्ट फ्रॉम एसी प्लांट इट इज नॉन यूजेबल वेस्ट। माइक्रो डस्ट यानी धूल मिट्टी के जो कण हैं माइक्रो डस्ट के रूप में। माइक्रो डस्ट वी कलेक्ट डस्ट फ्रॉम एसी प्लांट, एसी प्लांट जो हमारा एयर सर्कुलेशन होता है, इट इज नॉन यूजेबल वेस्ट। जो है ए वेस्ट वो वेस्ट है जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, नॉन। फ्लैट स्ट्रिप वेस्ट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कार्डिंग फ्लैट। द फ्लैट स्ट्रिप वेस्ट वेरी ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनलिटी विथ द फ्लैट स्पीड। जनरली जो फ्लैट वेस्ट है, फ्लैट वेस्ट कार्डिंग हमारी मशीन होती है, सिलेंडर के ऊपर जो फ्लैट लगी होती है, फ्लैट से जो हमारा जो है वेस्ट शॉर्ट फाइबर नैप्स जो रिमूव होते हैं उसको हम फ्लैट स्ट्रिप वेस्ट कहते हैं। इन एक्सपोर्ट मिल इट इज नॉट यूज्ड, बट इन रोटर स्पिनिंग इट इज यूजेबल। जनरली इस वेस्ट को जो है हम लोग जो है रोटर स्पिनिंग यार्न में जो है यूज करते हैं। नॉयल इट इज प्रोड्यूस्ड बाई काम्बर। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ काम्बिंग इज टू रिमूव शॉर्ट फाइबर थ्रू टेकिंग आउट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ काम्बर वेस्ट।
इट इज प्रोड्यूस्ड बाय काम्बर। ये जो वेस्ट नॉयल जो है, शॉर्ट नॉयल जो हमारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, एक काम्बर के द्वारा जो शॉर्ट फाइबर जो रिमूव होता है, उस वेस्ट को हम जो है शॉर्ट फाइबर वेस्ट या नॉयल वेस्ट कहते हैं। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ कॉम्बिंग इज टू रिमूव द शॉर्ट फाइबर। जो कॉम्बिंग का मेन फंक्शन होता है, वो शॉर्ट फाइबर को रिमूव करना होता है थ्रू टेकिंग आउट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ काम्बर वेस्ट। और इसके द्वारा जो है कुछ जो है काम्बर वेस्ट, शॉर्ट फाइबर जो है वेस्ट के रूप में काम्बर हमारा प्रोड्यूस करता है। इन इन एक्सपोर्ट मिल इट इज नॉट यूज, बट इन रोटरी स्पिनिंग इट इज यूजेबल। कह रहे हैं कि ये इस जनरली जो है एक्सपोर्ट मिल में हम लोग इसको रीयूज नहीं करते हैं, बट जो नॉयल वेस्ट होता है ये रोटर स्पिनिंग यार्न में, रोटर यार्न में और रोटर स्पिनिंग में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर वेस्ट प्रोड्यूस एट डिफरेंट सेक्शन ऑफ स्पिनिंग मिल एंड कलेक्टेड फ्रॉम एसी प्लांट्स। ये जो है हमारा नॉन यूजेबल वेस्ट है, नॉन यूजेबल वेस्ट है जो डिफरेंट, जो अलग हमारा स्पिनिंग मिल के अलग अलग जो डिफरेंट सेक्शन है, उन डिफरेंट सेक्शन से जो है ये वेस्ट प्रोड्यूस होता है और एक कलेक्ट होता है कहाँ पे, एसी प्लांट में। फिल्टर वेस्ट जिसको हम फिल्टर वेस्ट कहते हैं, फिल्टर वेस्ट प्रोड्यूस एट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ स्पिनिंग मिल एंड कलेक्टेड फ्रॉम एसी प्लांट। डर्टी कॉटन इट इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ रॉन्ग मेटेरियल हैंडलिंग। कह रहे कि जो है हम मेटेरियल की जो हैंडलिंग करते हैं उसमें जो है हमारा मेटेरियल जो है डर्टी वेस्ट जो है प्रोड्यूस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, रॉन्ग मेटेरियल हैंडलिंग। फाइन डस्ट इट इज कलेक्टेड फ्रॉम एसी प्लांट, इट इज नॉन यूजेबल वेस्ट। फाइन डस्ट इट इज कलेक्टेड फ्रॉम एसी प्लांट, इट इज नॉन यूजेबल वेस्ट। इन नॉन यूजेबल वेस्ट है और एसी प्लांट से हम लोग जो है इसको कलेक्ट करते हैं। स्वीपिंग प्रोड्यूस एट डिफरेंट सेक्शन ऑफ स्पिनिंग मिल एंड कलेक्टेड फ्रॉम एसी प्लांट। स्वीपिंग वेस्ट हमारा जो है डिफरेंट सेक्शन से हम कलेक्ट करते हैं और कुछ स्वीपिंग वेस्ट जो है हम एसी प्लांट से भी कलेक्ट होता है। निमाफिल, निमाफिल की हम बात कर रहे हैं, निमाफिल से आप अवेयर होंगे। प्रोड्यूस इन रिंग फ्रेम, ये जो है वेस्ट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, रिंग फ्रेम में हमारा जो है निमाफिल वेस्ट प्रोड्यूस होता है। व्हेन एंड ब्रेक्स अकर, जब एंड, जब धागे हमारे जो ट्विस्टेड धागे जो यार्न फॉर्मेशन हो रहा था, अगर एंड्स हमारे ब्रेक होते हैं, धागे ब्रेक होते हैं, उस केस में जो है जो रोविंग से मटेरियल ड्राफ्टिंग की बात आ रहा है वो सीधे फिर जो है सक्शन में जो है फैन हमारा सक कर लेता है, तो ये जो वेस्ट होता है इसको हम न्यूमाफिल वेस्ट कहते हैं। न्यूमाफिल प्रोड्यूस इन रिंग फ्रेम व्हेन एंड ब्रेक अकर। एक जो है न्यूमाफिल वेस्ट हमारा कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, रिंग फ्रेम पे, रिंग फ्रेम पे वेस्ट प्रोड्यूस होता है। व्हेन एंड ब्रेक अकर देन देयर इज इंक्रीज इन न्यूमाफिल। जब हमारा एंड जो है ब्रेक्स, एंड ब्रेक जो है बढ़ता है, उस केस में जो है न्यूमाफिल जो हमारा बढ़ता जाता है, यानी एंड ब्रेक होने पे जो हमारी रोविंग जो ड्राफ्ट होकर के यार्न प्रोड्यूस कर रही है वो ड्राफ्टेड मटेरियल सक्शन में जाता है और सक्शन में जो है फैन पे इकट्ठा होता रहता है। तो एंड ब्रेकेज अगर बढ़ता जाएगा तो सक्शन में मटेरियल जो है ज्यादा पास होगा और न्यूमाफिल का रेशियो बढ़ता जाएगा, यानी वेस्ट जो है परसेंटेज हमारा बढ़ता जाएगा। इट इज यूजेबल वेस्ट मेनली यूज, इट इज यूजेबल वेस्ट, और ये वेस्ट जो है यूजेबल वेस्ट है, इसको हम लोग जो है क्लीन वेस्ट है, लॉन्ग फाइबर है, इसको हम लोग यूज करते हैं। मेनली इट इज यूज इन रोटर स्पिनिंग मिल, और जनरली हम इसको रोटर स्पिनिंग में यूज करते हैं। रोविंग प्रोड्यूस इन सिंप्लेक्स एंड रिंग फ्रेम। रोविंग हमारी जो है सिंप्लेक्स पे प्रोड्यूस होती है और कुछ वेस्टेज हमारे रिंग फ्रेम पे भी होता है, रनआउट के केस में जब मेटल हमारा फिनिश हो रहा होता है, क्रिल ब्रेक फिनिश हो रही होती है, उस केस में कुछ रोविंग जो हमारी कुछ बॉबिन पे बच जाती है, तो उस वहां पे भी रिंग फ्रेम पे भी कुछ रोविंग वेस्टेज होता है। दीज वेस्ट इज यूजेबल, और ये वेस्ट जो है यूजेबल वेस्ट है, गुड वेस्ट है, यूजेबल वेस्ट है, इसको हम प्रोसेस में बैक ले लेते हैं। इट इज यूज्ड अगेन इन मिक्सिंग, और इसको हम मिक्सिंग में, हम प्रोसेस में बैक ले लेते हैं। इट इंक्रीज, इट इंक्रीज बिकॉज ऑफ रॉन्ग वर्क प्रैक्टिसेस। और ये जो है इसका वेस्ट जो है रोविंग वेस्ट जो है रॉन्ग प्रैक्टिस से जो है जनरली ये वेस्ट जो है ज्यादा इंक्रीज होता है। रॉन्ग प्रैक्टिस इन द सेंस जो है आपका रोबिंग पे भी, रोबिंग फ्रेम पे भी हो सकता है और रिंग फ्रेम पे भी हो सकता है।
बोंडा वेस्ट, बोंडा की हम बात कर रहे हैं, प्रोड्यूस इन रिंग फ्रेम एट ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग फ्रंट टॉप क्लीनर रोलर, यानी जो हमारा ड्राफ्टिंग रोलर है, ड्राफ्टिंग रोलर का जो टॉप रोलर है, टॉप रोलर को क्लीन करने के लिए जो है क्लीनर रोलर लगा होता है, उस क्लीनर रोलर में शॉर्ट फाइबर जो है रैप होते जाते हैं, तो वो शॉर्ट फाइबर हमारे जो है क्या है, बोंडा वेस्ट है। प्रोड्यूस इन रिंग फ्रेम एट ड्राफ्टिंग फ्रंट टॉप क्लीनर रोलर, इट कॉटन बेल कंटेन मोर शॉर्ट फाइबर देन बोंडा वेस्ट विल बी इंक्रीज। अगर कॉटन बेल में अगर शॉर्ट फाइबर का रेशियो ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है, उस केस में जो है बोंडा वेस्ट जो हमारा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन हाई एंड ब्रेक्स, और ये जो है हाई एंड ब्रेकेज पे भी डिपेंड करता है। अगर एंड ब्रेकेज ज्यादा होगा, मेटल में जो है रैपिंग लैपिंग अगर ज्यादा होती है, उस केस में भी जो है हमारा बोंडा वेस्ट इंक्रीज करता है। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन हाई एंड ब्रेक्स, टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे बोंडा वेस्ट डिपेंड करता है। बोंडा इज यूजेबल वेस्ट, मेनली इट इज यूज इन रोटर स्पिनिंग। कह रहे कि बोंडा बोंडा जो है हमारा यूजेबल वेस्ट है, जो जनरली जो है हम इसको रोटर स्पिनिंग में इस्तेमाल करते हैं, बट इट इज नॉट यूज इन एक्सपोर्ट स्पिनिंग। और जनरली जो है एक्सपोर्ट में हम लोग इस एक्सपोर्ट मटेरियल में बोंडा वेस्ट को का इस्तेमाल रीयूज नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लेक्चर आपको वेस्ट मेटल जो हमारा रिंग फ्रेम पे जो है रिंग स्पिनिंग में स्पिनिंग यूनिट में जो वेस्टेज होते हैं उससे जो है इंट्रोड्यूस कराने के लिए, परिचय कराने के लिए ये लेक्चर काफी बेनिफिशियल होगा। और इस लेक्चर के माध्यम से आप वेस्ट के कंसेप्ट को कि किस स्टेज पे कौन सा वेस्ट जो है क्रिएट होता है, क्या उसको हम यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इस सारे कंसेप्ट को आप जो है समझ गए होंगे। थैंक यू। Thank you.